जगह हम लोग पहले बार जा रहा है इधर से, तो दोनों हम लोग मिल के जाएंगे क्या। दोस्तों हम लोग अभी गर्म पानी रिजॉर्ट में रुका हुआ है और हाय फ्रेंड्स, मिक्स ब्लॉगर चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज और एक नई वीडियो आप लोग का के लिए लेकर आए हूँ। आज मेरा वॉइस भी इतना खास अच्छा नहीं है और मौसम देखो बहुत ही ठंडा मौसम है। और हम लोग आज निकलेंगे यहाँ से रंगाजान तक। इसलिए निकलेंगे तो आप लोग को दिखाते जाएंगे, तो देखते रहना वीडियो को दोस्तों कंटिन्यू। और ये इस स्कूटी से हम लोग जाएगा और मेरा साथ आज जाने वाला है नया मेहमान प्रियंका, तो हम दोनों जाएंगे आज। देखते रहना, आज का वीडियो काफ़ी अच्छा ब्लॉग होगा, तो कंटिन्यू बने रहना वीडियो। दोस्तों फाइनली हम लोग मेन रोड में आ चुका है। ये है हम लोग का कार्बी अरलोंग का रोड। इसी रोड में हम लोग जाने वाला है अभी रंगाजान तक, तो देखते रहना वीडियो को कंटिन्यू। हम लोग ज़्यादा तो नहीं दिखा पाएंगे लेकिन थोड़ा थोड़ा क्लिप आप सबको देंगे, तो बिल्कुल बने रहना वीडियो में कंटिन्यू। और दोस्तों हम लोग फाइनली आ पहुँचा है रंगाजान। ये तीन अली है और हम लोग इधर होके आया था। ये है दीमापुर जाने का रोड। दीमापुर जाएगा और सिलोनी जान का बाद सारू पत्थर भी मिलेगा और इधर से होके यहाँ तक हम लोग आया है और आगे में हम लोग जाएंगे, तो देखते रहना। और दोस्तों हम लोग फाइनली आज आ पहुँचा है रंगाजान। ये जीवन ज्योति डॉन बॉस्को स्कूल है, तो इसमें मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है। तो एडमिट कार्ड के लिए मैं स्कूल का फिक्स नहीं दिया हुआ था, तो उसी को देने के लिए आया था। और अभी स्कूल का क्लास चल रहा है तो मेरा बेटा से मिल के जाएंगे। तो ये है हम लोग का रंगाजान का जीवन ज्योति डॉन बॉस्को स्कूल। तो नज़ारा थोड़ा दिखाएगा मैं आप सबको, और जाने का टाइम में भी थोड़ा ब्लॉग दिखाएगा, तो वीडियो में बने रहना। दोस्तों ये है रंगाजान डॉन बॉस्को, ये है विशेष। तो ये क्लास नहीं होते हैं। दोस्तों ये देखो हम लोग का रंगाजान जीवन ज्योति, और ये हीरो है जो कि यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है। इस बार जीरो होगा या हीरो होगा वो हमको पता नहीं है, तो अभी फिलहाल इसको बिस्किट उस्किट खिला दिया, ये देख सकता है। और ये भी हंस रहा है और बच्चा लोग पूरा आज पहला क्लास ले लिया। और यहाँ का यूनिफॉर्म ये सब है। और हम लोग अभी जाएगा, ज़्यादा ऐसा नहीं दिखाएगा मैं यहाँ से, तो मैं आज का जो प्रॉब्लम है उसको मैं बोल दिया। और यहाँ पे हॉस्टल है, ये हॉस्टल वगैरह है, इसी में पढ़ाई सोता है सोने के लिए। और फादर लोग का रूम भी इधर ही है। और यहाँ पे चर्च है जो संडे को प्रे किया जाता है। तो आज का वीडियो यहाँ इसी के लिए था। हेरी की नाम होगा हाँ। दोस्तों हम लोग डॉन बॉस्को से फाइनली निकल चुका है और अभी जाते हुए आप सबको दिखाएगा। तो हम लोग का जो काम था वो काम खत्म हो गया हम सब का, तो अभी हम लोग रूम घर की ओर जा रहा है। तो आगे में आकर सब लोग नज़ारा है, तो उसको दिखाते हुए हम लोग जाएगा, तो देखते रहना वीडियो कंटिन्यू। और घर जाते ही हम लोग इस वीडियो को एंड करेगा, तो देखते रहना कंटिन्यू को। और दोस्तों यहाँ पे रंगाजान पे नया टोल गेट बनाया गया है, तो अभी फ़िलहाल पैसा तो नहीं ले रहा है लेकिन हम लोग फ्री में अभी जा रहा है देखो। और काफ़ी सुंदर टोल गेट है, तो कब ओपनिंग करेगा वो हम सबको पता नहीं है, लेकिन अच्छा अच्छा लोकेशन अभी दिखने को मिलेगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग सुबह में आया हुआ था और सुबह में काफ़ी सारा ठंडा का मौसम था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो अभी मौसम थोड़ा अच्छा है, तो अभी हम लोग पूरा दिखाने का कोशिश करेगा दोस्तों, तो वीडियो में बने रहना। और अच्छा अच्छा क्या क्या हम लोग दिखा सकता है उसको दिखाने का कोशिश करेगा, तो देखते रहना वीडियो का।
और दोस्तों ये है हम लोग का मुड़ कॉलोनी तीनाली का रोड और यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत चाय का बगान है, ये देख सकते हैं दोस्तों। ये है पूरा मुड़ कॉलोनी तीनाली का चाय पत्ती का बगान है और रोड भी देखो दोस्तों, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। और हम लोग जा रहे हैं हमारा काफ़ी सुंदर सुंदर जगह है। आप लोग कहाँ कहाँ से इस वीडियो को देख रहा है बिल्कुल कमेंट करना, और ऐसे ही अच्छा नज़ारा दिखाने के लिए देखना चाहता हो तो कमेंट करना ज़रूर, मैं दिखाने के लिए कोशिश करेगा दोस्तों। ये है इधर भी है और वहाँ पे जो चाय पत्ती का फैक्ट्री है, ये एक हाथ से स्कूटी चला रहा है और दूसरा हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है, इसीलिए जूम करके नहीं देखा सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत दिखा रहा हूँ मैं। और ये है मुड़ कॉलोनी तीनाली, इसको बोला जाता है मुड़ कॉलोनी तीनाली, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। और ये देखो देखो फैक्ट्री है चाय पत्ती का, और हम लोग अभी जा रहा है, अच्छा अच्छा नज़ारा देखने के लिए मिलता रहेगा आप सबको। और दोस्तों ये देख सकता है हेलमेट एकदम कचरा भर दिया और पूरा कचरा हो रहा है, कहा जाता है। और ये रिजर्व अगर ऐसे जाऊँ तो मैक्सिमम एक घंटा लगता है, जो रंगाजान से मुड़ कॉलोनी तीनाली से होके किलोनी जान तक मैक्सिमम 40 मिनट लगता है, तो काफ़ी बड़ा जंगल है ये, तो ये जंगल गुजरते हुए बांस का ब्रिज बना दिया और यहाँ पे थोड़ा टाइम रुकते हैं और दिखाते हैं आप सबको, काफ़ी खूबसूरत ब्रिज है। अरे ब्रिज कहा जाता है, दोस्तों हम लोग अभी गर्म पानी रिजर्व में रुका हुआ है और यहाँ पे देख सकता है बांस का ब्रिज है और नदी है, ये धनसरी नदी, तो यहाँ का नज़ारा भी काफ़ी खूबसूरत है दोस्तों। हम लोग थोड़ा आगे आ गया तो और अच्छा से दिखा सकता था, लेकिन हम लोग को और भी दूर जाना है इसलिए दिखा नहीं सका। और यहाँ पे बैक कैमरा करके मैं दिखाऊं, ये है नदी और थोड़ा पानी दिखाई दे रहा है वहाँ पे, और ये गाड़ी आ रहा है उधर, ये दीमापुर रोड है, दीमापुर नागालैंड दीमापुर, ये रोड सीधा जाएगा। और हम लोग अभी गोलाघाट से जा रहा है घर की ओर, क्योंकि मेरा घर नौजन में है, तो मैं आप सबको ये जंगल थोड़ा दिखाएगा, तो देखते रहना वीडियो को। और दोस्तों हम लोग का रोड अभी बदल दिया, हम लोग जाने वाला था सिलोनी जान होकर के, तो अभी हम लोग नया रोड पकड़ेगा और भी मिट्टी का, और वो रोड है जो तेंगानी, तेंगानी एक बस गांव का नाम है, तो उधर होते हुए हम लोग निकलेगा बोरपत्थर, तो हम लोग अभी बदलेगा रास्ता, तो आप लोग देखते रहना किस तरह जाएगा। हम लोग पहले बार जा रहा है इधर से, तो दोनों हम लोग मिल के जाएंगे क्या। Thank you.
मिलते हैं। दोस्तों हम लोग ये ब्रिज पार होके आ गया, अभी हम लोग जाएगा टेंगानी का रोड में। देखना वीडियो काफी मजेदार है, नया रास्ता है, मैं भी मालूम नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं उस ब्रिज पार करके आया, उसका बाद आने के बाद वो रास्ता काफी खराब था और चला स्कूटी चलाते चलाते मैं थक चुका, इसीलिए उससे आगे वीडियो नहीं बनाया, डायरेक्ट मैं आया घर पे। और मेरा वीडियो यहीं से समाप्त करता हूँ। ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना।